मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। पीछे जो व्हीकल खड़ा है वो है टाटा योद्धा 1700। ऐसे में बहुत सारा 1700 बनाए हुए, नया स्टॉक नया व्हीकल है। तो ये ऑक्शन परचेज व्हीकल है, ओनर ने ऑक्शन से गाड़ी खरीदा है, अभी ये रेडी हो गया है सेल के लिए। तो सेल में जब आता है तो हम लोग ये रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसका कंडीशन क्या है, पेपर का स्थिति क्या है, प्राइस क्या होगा। अब प्राइस और कॉन्टेक्ट नंबर वो लास्ट में रहेगा, क्योंकि देखिए भाई एकदम आप स्टार्टिंग से वो देख के आपको लास्ट तक पहुंचना है। मैं लेकिन आप जब हमें फ़ोन करेंगे, मैं आपको पूछूंगा जय भैया आप वीडियो देखा कि नहीं, आप बोला कि हम नहीं देखा, आपका नंबर ही लिया, तो हम तुरंत फ़ोन काट देंगे। क्योंकि मेरा एक ही पॉलिसी है, जो पूरा वीडियो देखेगा पूरा जानकारी लेगा उससे ही हम बात करेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल्स में उस वीडियो में बोलूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा व्हीकल, पहले मैं एक बार दिखा रहता हूँ ओवरऑल कैसा है गाड़ी दूर से। तो ये लुक देखिए एकदम नया जैसा ही है। देखिए 2020 अक्टूबर महीने का गाड़ी है ये, आप लुक देखिए, मैं साइड से एक बार दिखा रहा हूँ कितना सुंदर है गाड़ी देखिए। तो अभी धीरे धीरे मैं सामने लेके आ रहा हूँ। तो ये हो गया नंबर प्लेट, अभी जानकारी लीजिए आप वहाँ पे क्या क्या फेल है क्या क्या आप, मैं तो दिखा हुआ ही S11DC 777। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, हेडलैम्प वगैरह देख लेते हैं, इंडिकेटर देख लेते हैं, टाटा का लोगो यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी ठीक है, कोई क्रैक यहाँ पे नहीं है, बोनेट भी ठीक है, कोई उसमें नहीं है। और यहाँ पे देखिए विंडशील्ड, बड़ा सा विंडशील्ड मिलता है, कोई यहाँ पे क्रैक वगैरह नहीं है, वाइपर जो है एक भी मिसिंग नहीं है। अभी चलते हैं रियर व्यू मिरर, यहाँ पे देखिए कोई आपका क्रैक वगैरह नहीं है, एकदम सॉलिड है। और अभी देखते हैं इसका फुट रेस्ट, फुट रेस्ट देखिए मैं यहाँ पे चढ़ गया हूँ, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हिला भी नहीं है, ये एकदम बढ़िया है। तो एक बार आइए यहाँ पे खुद चेक कीजिएगा। इस बार मैं दिखाता हूँ और एक साइड में, ये भी देखिए कोई क्रैक नहीं है यहाँ पे, ये भी सॉलिड है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप योद्धा 1700 लोगो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया ड्राइवर केबिन, देखिए यहाँ पे ऊपर में एक कैरियर भी है। अगर ये हो गया ड्राइवर के, अभी धीरे धीरे मैं अभी चारों तरफ दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कोई रास्टिंग वगैरह नहीं है, और यहाँ से लेके ऊपर तक बनाया है, ये बनवाया गया है, देखिए इसमें आपको कोई आपको नहीं करना है कुछ भी काम। तो व्हीकल पीछे में भी देखिए योद्धा 1700, पीछे गार्ड भी है, ये गार्ड है यहाँ पे, और टेल लाइट देखिए यहाँ पे छोटा सा क्रैक है, ये तो रहता ही है क्योंकि यूज व्हीकल है, बाकी ये तो ठीक ही है, तो इतना ख़राब नहीं है। आप देख सकते हैं ये पीछे से आप मैं दिखा रहा हूँ, तो व्हीकल आगे और पीछे गाड़ी ऐसा दिखता है। तो अभी धीरे धीरे मैं आपको व्हील दिखाऊंगा, उसके बाद फ्लोर दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। देख सकते हैं ये जो है ये एक्स्ट्रा करके लगवाया गया है यहाँ पे। तो ये टायर देख लेते हैं, टायर तो काफ़ी अच्छा है, सॉलिड टायर है, आप देख सकते हैं टायर। तो यहाँ पे आप कमानी देख सकते हैं, ये कमानी, ये चेसिस देख सकते हैं। तो ये पीछे का एक टायर मैं आपको दिखा दिया हूँ, पीछे का और एक टायर देखिए, ये कमानी देख सकते हैं, 16 इंच का टायर लगता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 16 इंच का टायर, आप देखिए यहाँ पे। अभी मैं धीरे धीरे यहाँ पे लेके आ रहा हूँ फ्रंट व्हील तक, ये फ्रंट व्हील है, यहाँ पे देखिए पैराबोलिक कमानी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से और एक टायर में दिखा रहता हूँ आपको, यहाँ पे और एक टायर दिखाता हूँ, यह और एक टायर देखिए। तो चारों टायर का जो स्थिति जो देखने में है ऐसा दिखता है, जो है आपके सामने ही है, मैं दिखा दिया। बात अगर करते हैं तो ये तो आपको मालूम ही है, जो लंबाई में है लेंथ में 8.7 है, 8.7, और पीछे में अगर विड्थ का अगर बात करेंगे 6 फीट होता है। और अगर फ्लोर देख लेते हैं, और फ्लोर के साथ देखिए ये टायर भी है, देख सकते हैं जो है आपके सामने ही है, इसको अगर कुछ चेंज करवाना है तो ये आपको ओनर से बात करना होगा। फ्लोर एक बार दिखा रहे हैं, इसका जो पासिंग क्षमता है 1700 है, यानी कि 1700 यानी कि 1.7 इसका, वो आप सबको तो मालूम ही, जस्ट मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ क्योंकि बोलने से अच्छा होता है, क्योंकि बहुत आदमी को मालूम भी नहीं होता जी इसका पासिंग कितना है, ठीक है, क्योंकि योद्धा 4 वेरिएंट में आता है, आपका 1250 का एक होता है, ठीक है, और एक 1700 होता है, एक 2 टन, और एक 1000 में होता है, ये मतलब पुराना वाला है। तो ये आपका है, देखिए आपके सामने ये व्हीकल आप देख सकते हैं, BS6 का गाड़ी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है टायर, ये आपका गियर लीवर आपके सामने, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रियर जो है आपके सामने ही है, मैं कुछ बड़ा चारा के भी नहीं बोला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप 38,212 यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल का। अगर पेपर का स्थिति का अगर बात करेंगे तो ये पेपर का जो स्थिति आपके सामने देख सकते हैं,
देखिए जो ये तो ऑक्शन परचेज भेजे ले तो सारा पेपर कुछ अपडेट है कुछ फेल है और ये आपको ओनर आपको अपडेट करवा के देंगे, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप देखिए ये जो फेल है जो, क्योंकि ये तो आपको ऑक्शन परचेज व्हीकल होता है, जैसे ही वो सेल होता है उसी हिसाब से ओनर को लेना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसका प्राइस कितना रखा है। ओनर ने हमको बोले हैं हम वो प्राइस बोलेंगे आपको। तो प्राइस है आप देख सकते हैं 580,000। इसमें निगोशिएशन बार्गेनिंग होगा लेकिन ऑफिस में होगा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, देखिए मैं तो प्रचार करता हूँ, जिसको मार्केटिंग करना होता है हम उनके लिए प्रचार करते हैं। मेरा प्राइस नहीं है, ये ओनर का प्राइस है 580,000। रीफाइनेंस नहीं होगा क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ओनर ने मना किया है कि रीफाइनेंस के लिए हम प्रोसेस नहीं करेंगे। कैश लेके आइए, गाड़ी उनको ही ये गाड़ी मिलेगा। और आने से पहले जब आप गाड़ी देखेंगे आप खुद एक बार वेरीफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है कोई गाड़ी का गारंटी वारंटी नहीं लेता है, हमको जो बोलने के लिए बोलता है वही हम बोलते हैं, ठीक है। खुद आइए खुद बात कीजिए, कोई गारंटी कोई वारंटी नहीं होता है, हम मेरा चैनल नहीं देता है, ये ओनर आपको देगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आने से पहले एक बार बात कर लीजिएगा कि गाड़ी है कि नहीं, तो हम डिटेल्स बोल पाएंगे कि गाड़ी है कि नहीं। तो ये रहा टोटल रिव्यू व्हीकल का। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर दिन मैं एक एक गाड़ी आपके लिए लेके आऊँगा, इसका एक आसामीज वीडियो भी होगा, वो मैं लिंक में दे दूँगा। कुछ जो चाह विचार मैं लिंक दी दूँ तलब, तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक बाय।